हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन टॉर्क। एंड आज मैं आप लोगों के साथ में दी ऑल न्यू 2021 सुजुकी स्विफ्ट ड्यूल टोन का एक क्विक वॉक अराउंड रिव्यू शेयर कर रहा हूँ। इस वॉक अराउंड में एक एक फीचर्स तो मैं आपको नहीं बताने वाला, बट डेफिनेटली जो चेंजेस हुए हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं फ्रंट डिज़ाइन से। तो यहाँ पर जो चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी वो चेंजेस जो हैं वो यहाँ पर है। ये फ्रंट ग्रिल जो है वो चेंज कर दी गई है, ये नई फ्रंट ग्रिल आपको मिलती है। इसके अंदर आपको ये क्रोम स्लैट मिल जाता है, ऊपर आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है, हनीकॉम पैटर्न जो है वो यहाँ पर दिया गया है, दैट्स ऑल। बाकी ऑल LED लाइट्स जो हैं वो अब हो गई हैं यहाँ पर, बट इंडिकेटर्स जो हैं वो अभी भी आप लोगों को हैलोजन बल्ब में ही दिखते हैं। यहाँ पर आपको डे टाइम रनिंग लाइट्स भी दी गई हैं, नीचे फॉग लैंप हाउसिंग दी हुई है। तो फ्रंट जो डिज़ाइन है वो कुछ इस टाइप का रखा गया है। साइड फेस पे आ जाते हैं, साइड पे कुछ भी चेंजेस नहीं है, जैसे पहले गाड़ी आया करती थी सेम वैसी ही गाड़ी जो है वो अब भी आ रही है। तो ये देख सकते हो आप साइड लुक गाड़ी का, ऑलमोस्ट सभी चीज़ें सिमिलर है। ऊपर जो है अभी ये ड्यूल टोन है जो कि एक नेक्स्ट फीचर है। तो सेकेंड नंबर वाला फीचर ये हो गया अपना टॉप 5 में से कि ड्यूल टोन शेड जो है वो आपको मिल रहा है पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर। ORV मिल रहे हैं, इंडिकेटर्स जो हैं वो यहीं पर माउंट किए हुए हैं। बाकी दैट्स ऑल, आगे और कोई ज़्यादा बड़े बदलाव नहीं किए गए हैं। पीछे आप लोगों को ज़रूर जो है ये LED लाइट्स दे दी गई हैं, बट इसे मैं चेंजेस में काउंट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक छोटा सा अपडेट है, बट जो बड़े बड़े अपडेट्स हैं उन्हें अपन टॉप 5 फीचर्स में काउंट करेंगे। तो पीछे से स्विफ्ट जैसी दिख रही है वो आप लोग यहाँ पर क्लियरली अच्छे से देख सकते हैं। वाइपर वॉशर डिफॉगर जो है वो सभी चीज़ें दिए गए हैं। शार्क फिन एंटीना अगर अभी भी दे दिया जाता तो काफ़ी अच्छी बात हो सकती थी। बूट स्पेस जो है वो भी बिल्कुल सिमिलर रखा गया है, 60-40 स्प्लिट सीट जो है वो आपको मिल जाती है यहाँ पर। अब आ जाते हैं रियर में कि रियर में आपको क्या कुछ फीचर्स वगैरह मिलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सीट एरिया वगैरह काफ़ी बढ़िया है, बट यहाँ पर आपको रियर में जो है सेंटर आर्मरेस्ट नहीं मिलता है। ऊपर की साइड यहाँ पर केबिन में लाइट नहीं मिलती है, सिर्फ एक आगे लाइट मिलती है। इस चीज़ की मुझे कमी लगी। डेडिकेटेड आप लोगों को एडजस्टेबल हेडरेस्ट 2% के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। सेंटर टनल है, ये इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट डेफिनेटली हाँ अगर बीच में एक बच्चा बैठता है तो उसके लिए कोई दिक्कत जो है वो परेशानी इतनी ज़्यादा आने नहीं वाली है। रियर एसी वेंट अभी भी इस गाड़ी के अंदर मिस है। आगे आते हैं, आगे क्या चेंजेस हैं उनके बारे में बात करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आइडल स्टार्ट स्टॉप जो है वो ऐड हो गया है। यहाँ पर आप ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो ऑन या ऑफ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। क्रूज़ कंट्रोल जो है वो अब इस गाड़ी के अंदर आ गया है। तो क्रूज़ कंट्रोल होना अपने आप में काफ़ी अच्छी और यूज़फुल फीचर है। जो लोग ज़्यादा लंबी ड्राइव पे जाते हैं, हाईवे पे रेगुलर चलाते हैं, क्रूज़ कंट्रोल का यूज़ करके आराम से ड्राइव भी कर सकते हैं और बढ़िया माइलेज भी निकाल सकते हैं। बाकी सेंटर कंसोल जो है वो पूरा सेम है, सारे AC के नॉब्स यहाँ पर दिए गए हैं, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, AC, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, सभी चीज़ें यहाँ पर आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है। AGS गियरबॉक्स वाला ये टॉप एंड मॉडल है, AGS गियरबॉक्स से लेस ये टॉप एंड वेरिएंट है। 8,41,000 रुपीज़ इसकी प्राइस है। और इस गाड़ी के ऊपर अगर आपको बेस्ट डील चाहिए दिल्ली NCR, नोएडा, गुड़गांव, गाज़ियाबाद, ग्रेटर नोएडा, सभी में आप लोगों को मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। आर्मरेस्ट वगैरह सभी चीज़ें सेम ही रखी गई हैं, यहाँ पर कोई भी बदलाव जो है वो नहीं किए गए हैं गाड़ी के अंदर। अब अगर बात की जाए MID की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं MID के अंदर आप लोगों को ये अब कलर MID मिलती है। पावर, टॉर्क, ब्रेक, कितना माइलेज ये गाड़ी दे रही है और सभी फीचर्स जो हैं वो आपको यहाँ पे कलर्ड यूनिट के अंदर डिस्प्ले किए जाएंगे, जो काफ़ी अच्छी है। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वही ड्यूल पोर्ट दिया हुआ है, लेफ्ट साइड में RPM मीटर, राइट साइड में आपको जो है स्पीडोमीटर, वहीं पर फ्यूल गेज मिलता है और देखने में काफ़ी प्रीमियम सा लगता है। और ये जो MID है मुझे बलेनो की याद दिला रही है। बाकी टेलीफोन के कंट्रोल्स दिए गए हैं, नीचे आप लोगों को ये फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिलता है और ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सा लेदर रैप्ड जो है ये स्टीयरिंग दिया गया है, जो होल्ड करने में काफ़ी बढ़िया लगता है। बट अगेन यहाँ पर आप लोगों को जो है सिर्फ आप हाइट इसकी एडजस्ट कर सकते हैं, रीच जो है वो एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये एक कमी और इस गाड़ी में रह गई है टॉप एंड मॉडल में, जो कंपनी को दे देनी चाहिए। वन मोर थिंग, इसके अंदर आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिल जाता है, हिल होल्ड कंट्रोल मिल जाता है, जो कि स्टैंडर्ड आएगा अगर आप EGS वेरियंट लेते हैं किसी भी स्विफ्ट का। बट अगर आप MT लेते हैं, यानी कि मैनुअल गियरबॉक्स, यानी कि मैनुअल ट्रांसमिशन से लेस अगर गाड़ी लेते हैं, तो उसमें ये दोनों इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबिलिटी प्रोग्राम और हिल होल्ड कंट्रोल जो है वो नहीं मिलेगा। तो ये सारे चेंजेस हो गए फीचर्स रिलेटेड। एक जो और सबसे बड़ा चेंज आया है वो आया है इंजन में। अब इसमें आप लोगों को 1.2 लीटर ड्यूल जेट VVT इंजन मिलता है, जो कि मिला करता था डिज़ायर में और बलेनो में, बट इसके अंदर आपको हाइब्रिड सिस्टम नहीं मिलता है, नॉर्मल जो है ये इंजन आता है। 23.70 KMPL का माइलेज क्लेम करा है कंपनी ने और 20.20 KMPL का माइलेज क्लेम करा है मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स में। तो ये है दी ऑल न्यू 2021 सुजुकी स्विफ्ट ड्यूल टोन कलर के अंदर। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले बटन को प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड हाँ फ्रेंड्स, ड्राइव सेफ।